भैया ये तो चमत्कार है। अरे यार अब कौन सा नया चमत्कार हो गया? चलो चल के देखते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए। बोल बोल। रुको जरा, सबर करो। और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या बोला तूने? और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। वो देखा, अरे तो चमत्कार होएगा वाह। तो भाई ये है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी धनाधन चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार फिर से जो प्रधानमंत्री बनना है। बात तो सही है। और इसी चक्कर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, मुख्यमंत्री पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, लेकिन फिर उनसे एक छोटी सी गलती हो गई और फिर क्या, वो हमले उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मोदी जी विपक्षी पार्टी के नेता को पप्पू साबित करने के जद्दोजहद में लगे थे कि वो बिना कागज में देखे बगैर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन दांव तब उलट पड़ गया ना जब वो जिलों के नाम पूछने के बाद उनके कैपिटल के भी नाम पूछ बैठे, जिस वजह से अब लोग देश का सबसे बड़ा पप्पू होने का ठप्पा खुद मोदी जी के ऊपर ही लगा दिया कि जिलों का कहाँ कैपिटल होता है भाई। अच्छा वैसे तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, चूंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बोलचाल के क्रम में ऐसी गलतियां हो जाया करती है, लेकिन फिर भी अब लोगों की तरफ से तरह तरह के प्रतिक्रिया आने शुरू हो चुकी हैं। आइए देखते हैं। तो इसी पे सपा नेता आईपी सिंह लिखते हैं, गोए थे हरिभजन को ओटा लगे कपास, जिलों की कब से राजधानी होने लगी मोदी जी, डॉक्टर की सलाह मानिए नहीं तो शेष जीवन बिस्तर पर कटेगी, बात मानिए आराम करिए, ऐसी दशा में सलाह माननी चाहिए। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। तो अश्विनी सोनी मोदी जी के उसी मोमेंट के तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं, जिलों की राजधानी के नाम बोलिए, देख लो पप्पू कौन है। क्यों हिला डाला ना। तो प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, मैं कहा था पढ़ा लिखा आदमी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन अब हर जिले के कैपिटल होता है, बाकी प्रधानमंत्री जी से बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मित्रों पाकिस्तान मुसलमान नेहरू के अलावा कुछ नहीं आता, बाकी उड़ीसा के आदिवासियों की जमीन पर इनकी नजर है। क्या बात कर रहे हो आप? ये अच्छा। घर ये सब तो लोगों की निजी राय, जिनके समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।